अमृतसर के मजिठा विखे पंजाब एंड सिंध बैंक गनमैन सभा वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसा गया है कि गनमैनों मिलने वाले वेतन के पत्तियां विच सिक्योरिटी कंपनी वालों कपला किया गया है। जानकारी देंदे हुए गनमैन फौजी गुरदीप सिंह ने दसा है कि गनमैनों नाल कुलवंत सिंह सिक्योरिटी एजेंसी ने जो एग्रीमेंट किया होया है वह उन्होंने नहीं दिता जा रहा। उन्हें पंजाब एंड सिंध बैंक का एक कागजात दिखाते हुए दसा है कि इस गल की पुष्टि बैंक वालों भी की गई है कि गनमैनों मिलने वाले पत्तियां विच धोखाधड़ी हुई है। गनमैन सभा ने चेतावनी देंदे हुए कहा कि जे इस मामले में इंसाफ नहीं मिले तो सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर चंडीगढ़ विखे धरना लगा के विरोध किया जाएगा। जब इस मामले में कुलवंत सिंह सिक्योरिटी एजेंसी के मालक कुलवंत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने इन सब दोषों को नकारते हुए कहा कि जो एजेंसी ने गनमैनों नाल एग्रीमेंट किया होया है उस तो ज़्यादा गनमैनों को तनखा दी जा रही है। क्राइम ब्यूरो हरप्रीत सिंह रंधावा की खास रिपोर्ट लाइव इंफॉर्मेशन न्यूज अमृतसर। गनमैन वीर अमृतसर जोन के कई सालों तो पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी कर रहे हैं। 1 जुलाई 2017 पंजाब एंड सिंध बैंक ने कुलवंत सिक्योरिटी ना साडा ठेका किया 2 साल लिए, जिस विच उसने कई जो एग्रीमेंट बैंक ने किया बहुत ही घपला किया आ, जो कि बैंक ने भी ये क्लीयर कर दिता है कि साढ़े ना हर महीने 94 गनमैनों 1,61,858 रुपये घपला करता रहा, जो कि उसने 27 महीने लगातार घपला किया है, जिस विच उन्हें 43,70,182 रुपये का घपला किया। जो भी असं उस मिलाप करना चाहिए उसनों बुलाना चाहिए उसने वो इनकुआर किया कि मैं नहीं आना, तुम मेरे को चंडीगढ़ आ जाओ, जो असं चंडीगढ़ जाने तो उत्थे सानू मिलता नहीं आ। फिर असी बैंक नू दस्या तो बैंक ने सारी कार्रवाई कढ़ के करके सारी डिटेलमेंट सानू दिती है जो ये साढ़े को मौजूद है कि हर महीने साडा ये घपला करता रहा है। उस तो अलावा साढ़े जैडम साहब ने बैंक जॉन मैनेजर ने यह लैटर भी उन्होंने बकायदा लिखा कि ये घपला आ तेरा तू आन के इन्हों क्लीयर कर, उन्हें नहीं किया। फिर असी उस तो बाद जो एग्रीमेंट है वो भी कापियां साढ़े को सारिया है जो उन्होंने कर रखे साढ़े को सारे सबूत है, असी प्रशासन को अपील करते हैं क्योंकि वो आके प्रशासन इस विच कार्रवाई करे तो वो कानूनी कार्रवाई उस पर करे तो वो आके साढ़े नाल ये साडा हक सानू दे साडा बनता हो। एक आर्मी परसनल आदमी जो कि इन्नी वड्डी संस्था होवे जिसनों देश नू उस आर्मी ते माण होवे वो अफसर आन के आर्मी के जवानों नाल ये घपला कर जाए ये किड्डी माड़ी मनभंगी गल है। फिर असी इस तो अलावा भी चिट्ठियां कढ़ियां ने DGP पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पंजाब डायरैक्टर सेवा रख्या भलाई पंजाब डिप्टी कमिश्नर पंजाब पंजाब पुलिस कमिश्नर अमृतसर जिला रख्या सेवा भलाई अमृतसर जिला रख्या सेवा भलाई तरन तारण IG बार्डर रेंज अमृतसर नूं असी प्रशासन के अगे हाथ जोड़ के यो अपील करते हैं कि साढ़े बनता हक सानू दवाया जाए और उस कुलवंत सिक्योरिटी पर उपर पूरी कार्रवाई की जाए। जे साडी सुनवाई नहीं हुंदी तां असीं अगली कार्रवाई लई मजबूर होवांगे। वह कार्रवाई साडी ये होएगी कि असीं 94 दे 94 गनमैन कुलवंत सिक्योरिटी के अगे कुछ जथेबंदियों नूं लै के चंडीगढ़ दे विच उहदी दफ्तर के अगे धरना देवांगे। जे सानू कोर्ट जाना पिया तो असीं कोर्ट भी जाके नाल दे इंसाफ लवांगे। असीं इंसाफ की मंग करते हैं, असीं कानून प्रस्त आदमी एक्स सर्विसमैन हाँ, असीं एड्डी वड्डी संस्था दे विचों रिटायर आए हाँ, असी कोई कानून तो बगैर बाहर नहीं जाते, पर जो साढ़े नाल एडा वड्डा घपला साडा ही अफसर आर्मी परसनल करनल रैंक जिहदे उत्ते माण होना चाहिए देश माण करता है वो साढ़े नाल घपला कर दिया, बाकी असी होर किसे उपर की कितना भरोसा कर सकते हैं। जो कि सिविलियन पंजाब एंड सिंध बैंक के मुलाजम साडा साथ देन दे ने कि तुहाडे नाल धक्का होया है, पर वो इंसान आण के गल करन नूं तैयार नहीं आ। असी प्रशासन को DGP पंजाब को मंग करते हैं कि DGP साहब इस मसले च ध्यान च रखते हुए इन्हों कुलवंत सिंह सिक्योरिटी को पूरी जानकारी लैके सानू इंसाफ दवाया जाए, साडे बंदा हक सानू दिता जाए। साडे लिए बहुत वड्डा अमाउंट है, 43 लाख एक नॉर्मल बंदे की कोई छोटी वड्डी गल नहीं आ, उन्हां वास्ते छोटी गल हो सकती है, साडे वास्ते छोटी गल नहीं आ। मैं फिर दोबारा तो प्रशासन अगे अपील करदा कि सानू साडा बंदा हक दवाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।